Hi everyone, if you really want to convert your passion for baking into a profitable bakery business in less than 30 days, ये inspiring video आपके लिए है. Because मैं यहाँ पे बैठी हूँ मेरे amazing amazing student पूजा के साथ. और पूजा हमारे baking academy से एक graduate है. उन्होंने हमारा super baker program certified course जो है वो complete कर लिया है. In fact, she is a diamond certified member as well. एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर विथ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि पूजा ने अपने सारे अमेजिंग गुड लुकिंग प्रोडक्ट्स और काफ़ी टेस्टी केक्स और बेक्स जो है वो शी हैज सोल्ड इट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ हर होम बेकरी. और उन्होंने ऑलरेडी जो 1 लाख रेवेन्यू है वो क्रॉस कर लिया है, राइट. और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल टिपिकल नहीं है, राइट. इसके लिए ये इस जैसे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक अलग माइंडसेट चाहिए रहता है और आपको थोड़ा सा हार्डवर्क भी करना पड़ता है, तभी ये सारी चीज़ें इतने कम समय में पॉसिबल हो सकती है. सो लेट्स हियर इट फ्रॉम पूजा. हाय पूजा, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. हेलो। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस इंटरव्यू विथ यू. तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताइए कि आप कौन से सिटी से है, कौन से शहर से है, आपके घर में कौन कौन है और आपका प्रोफेशन क्या था. मतलब अभी तो आप काफी सारे ऑर्डर्स ले रहे हो, आप एक बिजनेस ओनर बन ही गए हो, बट इसके पहले आप क्या करते थे? मैं गुड आफ्टरनून मैम। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं ज्वाइंट फैमिली में, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, इन लॉज है, भैया भाभी है, नेफ्यू है और हस्बैंड नोएडा में जॉब करते हैं। तो हम छोटा बेबी और हम मतलब नोएडा में रहते हैं। मेरा अभी ओके 2.5 ईयर का बेबी है। यस अच्छा, मैम। और तो बॉय मैंने की गर्ल है? बॉय बॉय है, ओके. हाँ और मैंने मैम बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से। और आफ्टर बीटेक मैंने मैम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक प्रिपरेशन करी, उसके बाद मैंने 2 ईयर तक टीचिंग करी, मैंने मैम पढ़ाया। वाह, उस टीचिंग करने के बाद मैम मैंने फिर दोबारा से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करी। हाँ फिर मैरिड, शादी हो गई थी। फिर शादी के बाद, फिर बेबी होने के बाद मतलब मैम पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तैयारी करना, वो सब चीज़ ना। और फिर क्या बोलते हैं, फिर हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम्हें, मेरे गवर्नमेंट एग्जाम में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो हस्बैंड ने बोला जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ही करना है। बराबर. तुम प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इसी लाइन में, मैं तुम्हें सिखा मतलब अच्छे से गाइड कर लूंगा वो सब चीज। हाँ और हमारे साथ हमारी भांजी भी रहती थी, तो मैंने ओ वो सब गवर्नमेंट एग्जाम का हटा के मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रिपरेशन करने लग गई। हाँ फिर मैंने वो कोडिंग, HTML, वो सब सीखने लगे थी। तो वाह, आप मैं, जैसे मैम, काफी ज्यादा वर्सेटाइल हो यार. तो ऑसम. मैंने वो क्या बोलते, 1-2 वीक से मैं पढ़ रही थी। तो एक दिन मेरी जो भांजी है वो मुझे ना HTML में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कैसे हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, वो सब सिखा रही थी। तो उसने, जैसे मैम कभी हम किसी का वो मेन्यू खोलते हैं किसी भी साइट में, तो वो सब चीज कैसे बनाना है, कैसे अगर आप एक हाइपर लिंक के थ्रू कैसे आप क्या बोलते हैं किसी मेन्यू में पहुंचते हैं, वो सब चीज बता रही थी। तो उसने एक रेस्टोरेंट का मेन्यू टाइप, उसमें कि मामी जैसे इसको ऐसे आपको खोलना है तो कैसे खोलोगी, तो मैंने वो रेस्टोरेंट की इमेज, वो सारे खाने के प्रोडक्ट, वो सब चीज देखा। तो मैंने मतलब, मैं उसे बोलने लगी, यार पता है मेरा ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस चीज में, मेरे को ना मतलब मेरे मम्मी कुकिंग बहुत अच्छा है, मतलब कुकिंग में मुझे इंटरेस्ट है। फिर मैंने कहा मुझे ना ऐसा कुछ करना है। तो उसने तुरंत उसी समय बोला कि यार मामी आप छोड़ दो, आपको नहीं मन कर रहा है लीव इट, और आप इसमें इंटरेस्ट है, जो जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसी में करो। फिर हमने हस्बैंड से बात करी, फिर हस्बैंड ने बोला इससे अच्छा क्या है कि घर से तुम कुछ मतलब तुम अलग कुछ करना चाहते हैं, जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, दोनों वर्किंग है तो जरूरी नहीं है कि तुम वही करो। फिर मैंने मैम फिर सर्च करना शुरू किया कि मुझे क्या करना चाहिए, सोचना शुरू किया। फिर मुझे लगा, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी कि कौन सा बिजनेस मतलब वुमेन्स के लिए ज्यादा अच्छा रहता है। फिर मैंने वीडियो वीडियो सब देखी। फिर मुझे बेकिंग वाला मतलब सही लगा कि ये चीज सही है, इसमें आप घर से ही क्या बोलते बेबी को भी देख सकते हैं, अपना केक कभी कर सकते हैं। तो फिर मैम क्या होते, आसपास सर्च करा कि कोई क्लासेस देता है या ऑनलाइन कोई लेता है, क्योंकि मैं घर बेबी को छोड़ के नहीं जा सकती थी। बराबर.
यस मैम, फिर मैंने क्या बोलते एक दो जगह बात भी करी, ट्रफल नेशन में बात करी, तो मुझे लगा नहीं कि यहाँ, मतलब ऐसा लगा नहीं कि अंदर से कि हाँ लेना चाहिए मुझे कोई कोर्स। फिर मैं फेसबुक एक दिन स्क्रॉल कर रही थी, वहां मैंने आपका वीडियो देखा और मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन करा मैम, और वो जो वेबिनार था वहां से मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई मैम। उसमें मुझे ना आपकी जो स्टोरी थी कि आपने बोला कि मैंने एमबीए किया है, मैंने जॉब करी थी, फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर मैंने इस लाइन में आई हूँ, और मैं अपने बेटे का पहले बर्थडे केक खुद बनाना चाहती थी, तो मैं बहुत इंप्रेस्ड हो गई। मुझे लगा कि यार हम भी मैम आउटसाइड नहीं, 1 साल तक नहीं खाया कुछ भी, तो मुझे लगा यार मैं भी कुछ ऐसा कुछ करती हूँ कि मतलब केक को खुद बनाऊं, और खुद पहला बर्थडे भी अपने बेबी का मतलब खुद से केक बनाऊं, वो सब चीज। फिर मैंने तुरंत मैम बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसी समय एनरोल कर दिया प्रो कोर्स को, और ले लिया, और सुपर बेकर जो प्रोग्राम था वो आपका ले लिया मैम। वो बहुत ही मतलब बहुत कुछ सीखा उससे। और मैम सबसे अच्छी बात ये कि आप जो सिखाते हो ना, जैसे मेरे को स्टार्टिंग में केक नहीं बन रहे थे, तो आप मतलब ऐसे नहीं डिमोटिवेट करते, आप बोलते हो जाएगा हो जाएगा, एक ही बार में परफेक्शन नहीं होता है किसी को, आपको टाइम लगता है और हो जाएगा, इतनी अच्छे से मोटिवेट करते हो आप। फिर मैंने मतलब अच्छे से वो कोर्स कंप्लीट कर दिया था सुपर बेकर ओके, वाला। तो आपने फिर केक्स बनाना चालू कर दिए थे उसके बाद मैम ऑर्डर्स थोड़ा मतलब पूरे मतलब अच्छे से मतलब आ गया था, पर डिजाइनर केक उतना वो नहीं, बराबर। मैं बीच में थोड़ा सा मिसगाइड हो गई थी हाँ क्या कि यार लोग बोल मतलब आसपास होता नहीं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई क्या सजेशन देता, कोई क्या बराबर बराबर। कि तुम इतना महंगा वैसे कोर्स ले रहे हो, ये कर रहे हो, और यूट्यूब में तो इतनी सारी फ्री वीडियोस होती फ्री है में तुम, मिलते हैं। हाँ फ्री में मिलती है, तुम ये वीडियोस देख लो, वो कर लो, हाँ सब तो सीख रहे हैं। और मैंने मैम मिसगाइड हो गई 2-3 मंथ के लिए, और मैंने ना मैम वो सारी वीडियोस देखना स्टार्ट करी। कुछ टाइम के लिए मैंने आपका कोर्स थोड़ा स्किप कर दिया, और हाँ मैंने 2-3 मंथ अपने पूरे वेस्ट कर दिए, और मैंने उसी के मतलब किसी का कोर्स भी लिया, उसमें क्या था सिर्फ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग थी, और उससे मतलब मुझे कुछ इतना कुछ सीखने को नहीं मिला। और फिर मैं दोबारा से स्विच हुई आपके कोर्स में, और मैंने तुरंत फिर आपका डायमंड वाला जो मेंबर वाला हाँ जो कोर्स है वो आपका लिया, और हाँ उसके बाद मैंने कहीं कभी भी मतलब कोई कोर्स या कोई यूट्यूब वीडियो कुछ भी फॉलो नहीं करा मैम। वाह। आप हमें ये बताइए कि आपने ऑनलाइन में जाने का क्यों सोचा, बिकॉज बेबी छोटा था इसके लिए, या मतलब क्या रीजन था? क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, ऐसे कोई कोई लोगों को लगता है कर पाएंगे कि नहीं, स्पेशली केक में। तो वो आपका थॉट प्रोसेस क्या था तभी? मैम बेबी छोटा था तो मेरा यही रीजन था कि मुझे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है बाहर जाना है, क्योंकि मतलब हस्बैंड तो जॉब करते हैं तो मैं बराबर संभालेगा अकेले मतलब कौन बेबी को संभालेगा, तो इसलिए बराबर। बट फिर बेबी के साथ आपका मैनेज हुआ था, क्योंकि लाइव सेशंस अटेंड करने, आपको रेसिपीज देखने हैं, डेकोरेशन देखना है, सीख के फिर बनाना है, तो वो आपका हो गया था इजीली तभी? मैम हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे मुझे पता है कि थर्सडे को मेरी लाइव क्लास होती है, तो वो उस दिन वो पूरा अपना काम वो फिनिश करके जो भी है, तो वाह पूरा टाइम मतलब जितने 11 जितने बजे तक आपकी क्लास होती है उतने टाइम तक वो पूरा बच्चे को देखते हैं वो, और अगर केक का कोई ऑर्डर आ गया तो उस समय भी मतलब पूरी पूरी हेल्प करते हैं, तो मतलब हम दोनों ऐसे करके एक दूसरे मतलब टाइम को मैनेज करते थे, अगर मेरा कोई ऑर्डर आ गया तो वो बच्चे का ध्यान रखते थे। सुपर ऑसम यार, एंड मेनी मेनी थैंक्स टू हिम एज वेल, क्योंकि काफी सारे ऐसे हस्बैंड्स होने चाहिए जो वाइफ को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने इसमें ही नहीं, आप जैसे शेयर कर रहे थे अपने लाइफ के बारे में, उन्होंने काफी पहले से आपको सपोर्ट करा है, राइट? सो मेनी थैंक्स टू हिम एज वेल। तो पूजा, आप हमें ये बताइए कि इसमें जैसे आपने सुपर बेकर किया, फिर आपने कोई दूसरा प्रोग्राम किया, फिर आपको लगा अरे नहीं वो नहीं चल रहा है ठीक से, आप वापस आए और तभी आपने डायमंड में ज्वाइन किया, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इसमें? जैसे कि स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, या फिर रेसिपीज है हमारे, या डेकोरेशंस है, या फिर जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ की वजह से आपको ब्रेक थ्रूज मिलते गए? मैम सबसे पहले तो यही कि जो आपकी वीडियो क्लासेस है, जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो भी बहुत अच्छी है, अगर उसको भी मैंने पहली बार जब आपकी वीडियो देखी तो मुझे एक बार में नहीं, अगर दूसरी बार में देखोगे ना पूरा मतलब हर एक डाउट हर एक चीज आपने पूरी क्लियर की है, उसके बाद भी कोई डाउट होता था तो आप जो लाइव क्लास में जो सिखाते हैं ना मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट होता था, और एक भी अगर लाइव क्लास गलती से मिस हो गई ना तो ऐसा लगता है कि सब मिस हो गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइव क्लास आपकी। ऑसम ऑसम। और और
या गो अहेड। मैम, जब मैं मतलब बहुत शाय इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मतलब मुझे ना जब आपका डायमंड प्रोग्राम लिया तो आपने वीडियो कॉलिंग में सबसे बात करी, तो मतलब मैं हाँ मुझे हाफ एन आवर सोचने में लगा कि मैं मैम से कैसे बात करूँ कैसे बात करूँ, मतलब मेरे अंदर इतना हेजिटेशन था। तो मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप सिर्फ बेकिंग ही नहीं सिखाते, आप पर्सनली ओवरऑल पर्सनैलिटी को भी डेवलप करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बेकिंग के अलावा जो है आप जो सिखाते हैं, कैसे कस्टमर को डील करना है, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करना है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब और कहीं नहीं मिल सकती जो आप सिखाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट पूजा। और आप अपने कस्टमर्स के बारे में भी अभी बात किया, तो आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, या फिर आपको कैसे किस तरीके के रिव्यूज या टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ और जितना मैंने आपके केक्स रिव्यू भी किए हैं, आपके केक डेकोरेशंस बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मतलब अगर आपने एकदम स्क्रैच से चालू किया था और बेबी के साथ आपने इतना सारा किया है, तो मैं ये व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि इनके केक्स, इन्होंने बहुत ज्यादा जान डाली है अपने केक्स में। क्योंकि एक 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 केक जो है वो बहुत बहुत ही ज्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट लगता है। सो आपको मैंने बहुत बार वो फीडबैक भी दिया है पूजा, इफ यू रिमेम्बर दैट, राइट? बिकॉज योर केक्स आर सो गुड। तो अभी आप हमें बताइए कि आपके कस्टमर्स क्या बोलते हैं आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ, आपने हमें सिखाया है कि कुछ भी हो जाए पर क्वालिटी में आप अपना क्या बोलते कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। चाहे तुम्हें कभी मतलब कोई नहीं ले पा रहा है तो थोड़े कम रेट में भी आपको देना पड़े, पर कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट, हर चीज मतलब अच्छा यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने 4 दिन की बिग सेल अभी लगाई ये थी, तो उसमें मुझे आपका सेकेंड या थर्ड था ना पूजा, ये वाला बेक सेल मैम ये 3rd वेक्सिल था थर्ड था? हाँ दैट्स व्हाट। या हाँ यस मैम, गो। इसमें मेरे को बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है मैम। जिस कस्टमर में मैम पहले डे जो भी टेस्ट करा है वो 4 दिन रेगुलर रहा, 4 दिन में भी मतलब मैम बहुत बार रिपीट हुए 4 दिन में भी, और वो ऑसम। डायरेक्ट वहीं पर मुझे ना वो मतलब फीडबैक दे रहे थे कि बहुत ही अच्छा आपका जो टेस्ट है आपके केक का, इधर आसपास इस सोसाइटी में हमने कभी कहीं भी एक मतलब हमें टेस्ट नहीं मिला है, और हम स्पेशल इस टाइप का केक खाने दिल्ली हमें जाना पड़ता है, मतलब उन्होंने कोई किसी उसका नाम भी बताया था मुझे अभी हाँ आपने, तो मतलब मैं बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहा। उसके बाद में मुझे अभी तो 4-5 अभी तुरंत ही ऑर्डर आ गई है केक के भी, वाओ मतलब बहुत अच्छा। हाँ वाओ सुपर ऑसम, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। क्योंकि बेक सेल आपने काफी ज्यादा टाइम तक डिले करा था, बट अभी मेरे ख्याल से 1 महीने में आपका ये तीसरा रहेगा ना पूजा, 1.5 महीने हुए डेढ़ मुझे महीने में ये थर्ड रहेगा आपका, एंड अमेजिंग फीडबैक दैट यू मैम, आर। ये जो बेक सेल है ये पॉसिबल हुआ है आपकी वजह से, बताओ क्यों? क्योंकि आपने बोला था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा तभी तुम बेक सेल मतलब तभी तुम कुछ अलग कर पाओगे। जो मैम मैंने फर्स्ट बेक सेल के जो लगाया था तो मुझे इतना ऐसा डर सा था कि कैसे करूंगी, इतने सारे कष्ट लोगों को कैसे फेस करूंगी ये सब चीज, लेकिन आपने कहा अगर कुछ करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और कुछ अगर तुम सोचोगी कि घर में केक के ऑर्डर आएंगे ये सब होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो ये जो मोटिवेशन जो मोटिवेट आपने किया था ना उसी से मतलब ये सब चीज पॉसिबल हो पाया है। सुपर्ब। सी आप, मैंने बोला बट आपने एक्शन लिया, राइट? वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक्शन लेने के बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, वो आपने दिखाया है सबको कि कंफर्ट जोन से, मतलब बोलने का ठीक है, मोटिवेट भी किया, बट आपने जो एक्शन लिया वो 100% आपको रिजल्ट्स लेके आया अभी, एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू पूजा। सो नाउ टेल अस कि अभी आपने बेक सेल करके काफी अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट किया है, तो अभी आपका नेक्स्ट 3 ईयर्स या नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपका क्या गोल है आपके होम बेकरी बिजनेस को लेके? मैम मेरा अभी बेबी छोटा है तो मैं अभी घर से ही मतलब कंटिन्यू करना चाहती हूँ कुछ टाइम तक, पर अभी मैं अपना प्रोडक्ट ये सब चीज मतलब अभी आसपास मेरे जब बेक सेल लगाने के बाद बहुत लोगों को मेरे बारे में पता चला है, इससे पहले नहीं था, तो मैं आसपास के लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है और अवेयर करवाना वो सब चीज की, मतलब मेरे पास जैसे आपने सिखाया मैं हेल्थी रेसिपी में भी बहुत सारी है, आजकल क्या है लोग हेल्थी भी खाना प्रीफर करते हैं, तो मैं हेल्थी के एब्सोल्युटली पीछे ज्यादा फोकस करती हूँ, जैसे क्योंकि ये रोज डेली यूज डेली खाने वाले प्रोडक्ट जैसे कुकीज हो गया मतलब हेल्दी टी टाइम केक हो गया, तो उसमें मैं ज्यादा फोकस करना चाहती हूँ ये सब चीज, और मेरा यही है कि अभी मैं सिर्फ कि लोगों तक अपना जो वो है वो पहुंचाना चाहती हूँ। सुपर। और पूजा आप हमें हमारे बेकरी का नाम बताइए। हेल्पफुल स्लाइस
हेल्थ फूड स्लाइस, हेल्पफुल स्लाइड स्लाइस। जो मोटिव मोटिव है हेल्थफुल स्लाइस रखने का, मेरा जो मोटिव है वो है कि मैं अपनी बेकरी से मोस्टली हेल्थी प्रोडक्ट को ही सेल करूं, मतलब मेरा ये मेरा मोटिव है। सुपर। और और आप हमें ये भी बताइए कि इतने सारे कस्टमर्स के साथ डील करने के बाद आपको क्या लगता है आपके कौन से बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है? मैम मेरे ओट्स कुकीज नंबर ओट्स वन, कुकीज, ओके। यस, और ओट्स कुकीज और नान खटाई और रागी आटा कुकीज और रागी कुकीज, ये कुकीज ओट्स कुकीज, कुकीज तो नंबर वन पे, मैम मतलब परमानेंट कस्टमर है मेरे ओट्स कुकीज के। ऑसम। तो ये हमें ना चीज कुकीज के, आसपास हमें नहीं मिल, इधर कहीं नहीं मिलती हाँ है। नहीं टेस्ट मिलता। तो बहुत ही अच्छा है, जो भी खा रहा है एक बार अभी बेक सेल में भी रखा हुआ, तो जिन्होंने भी लिया तो मतलब उनको बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा। और सुपर सुपर, लवली लवली। क्या आपको ऐसे लगता है कि आप प्रोग्राम के पहले की पूजा और अभी जो मेरे सामने जो पूजा बैठी है वो दोनों में काफी ज्यादा फर्क है? मैम बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैं मुझे खुद जो बेक सेल लगाया है तो इतने कस्टमर को डील करना, उनसे बात करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, हम किसी भी चीज को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन तब कर पाते हैं जब हमें उसके बारे में नॉलेज हो। और ये सब नॉलेज जो है सिर्फ आपसे मिला, अगर हमें पता ही, मुझे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता नहीं होता तो मैं कस्टमर से नहीं अच्छे से डील कर पाती। तो ये मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है अभी मैं और तब आर में। यू हैप्पी राइट नाउ पूजा? मैम आई एम टू हैप्पी, और मतलब मैं जो करना चाहती थी, मैं स्टडी कर रही थी पर मुझे ये इंटरेस्ट नहीं। अभी मैम अगर कोई मुझे 2 बजे रात को भी ऑर्डर देगा आई एम हैप्पी, क्योंकि किसी भी जॉब में आप अगर कोई आपको 2 बजे 3 बजे भी उठा दे तो कितना मतलब कोई भी खुश नहीं होगा। लेकिन जो ये बेकिंग वाला ये है, इसमें अगर आपको 2 बजे रात को या 12 बजे कोई उठा के बोले कि हाँ केक खा रहा है, तो आप कभी भी मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि अभी बनाना है, आप खुश हाँ होके ये काम हाँ करोगे ऑसम अगर आपको ऑसम, इसमें इंटरेस्ट है तो। लवली। मैम और क्या आप कॉन्फिडेंट हो आपके प्रोडक्ट्स को लेके, क्या बिजनेस को लेके? डू यू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर? आई एम कॉन्फिडेंट। मैम लवली। एक चीज और शेयर करना और चाहती हूँ मैम, जैसे अभी दिसंबर, अभी कुछ मंथ मेरे मतलब बहुत ज्यादा वैसे रहे हैं, मेरे पापा का डेथ हो गया था, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी 2-3 मंथ। और वहां मैं वहीं थी गांव में, और मैं आपसे भी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। जब मैं वापस आई तो मैंने आपसे बात करी, आपने आपने इतनी अच्छे से समझाया कि उनके लिए तुम्हें करना पड़ेगा ये सब चीज, तो वो मतलब बहुत अच्छे से वो करा। मैं मुझे ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं है लाइफ में, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिव मतलब डिप्रेस हो गई थी, तो जो आपने मतलब उस समय ऐसे टाइम में हेल्प करी, मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी आप कम्युनिटी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैम कम्युनिटी तो मैम बहुत ही सपोर्टिव है, और अगर जैसे सबसे पहले तो ये कि जैसे ऐसा नहीं है कि आपको लाइव जैसे कोई डाउट आया तो आपको लाइव क्लास का वेट करना है, अगर आपको हम मैसेज कर दे, या कम्युनिटी आपने जो अलग अलग ग्रुप बनाए हैं हम सबके उसमें मैसेज कर दो कोई भी डाउट है, तो आप तुरंत रिप्लाई आता है विद इन अ सेकेंड रिप्लाई आता है। इसके लिए हमें कोई लाइव क्लास का वेट नहीं करना है कि थर्सडे को लाइव क्लास है तब तक हम वेट करते हैं फिर मैम से क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है मैम। मतलब यू आपका जो वो है मतलब कभी भी किसी भी टाइम मतलब एवरी टाइम हमेशा सपोर्ट रहता है ऐसे कंपटीशन नहीं है, मतलब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं या वहां हेल्प पे। करते, क्योंकि अगर हम आसपास अगर सीख रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी सोसाइटी में बहुत सारे बेकर्स, अगर मैं उनसे पूछूंगी तो कोई मेरी हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बराबर है। कॉम्पिटिशन है, पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ हम राइट सब मिलजुल के करते हैं, किसी को कोई डाउट होता है तो एक दूसरे को मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, डाउट शेयर करते हैं, और कैसे मतलब जो भी है वो अच्छे से मतलब होता है, कोई कॉम्पिटिशन लवली नहीं है। लवली, सुपर ऑसम। सो यू हैव शेयर्ड अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट योर विजन, आपने आपके पैशन जो बेकिंग रहा है उसके बारे में भी बात किया, और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी यहाँ पे एक मतलब ऐसे देखने में आ रहा है कि कैसे यू स्टार्टेड विथ लॉट ऑफ नॉन बेकिंग रिलेटेड थिंग्स, और कैसे आपका वो पर्पस जो है लाइफ में आपने वो फाइंड करा, आपका पैशन जो है वो फाइंड करा, एंड आपके फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। तो अभी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपके कस्टमर्स भी काफ़ी अच्छे से जमा हो रहे हैं, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जमा हो रहा है। सो अभी आपके फैमिली मेम्बर्स आपके बारे में क्या बोलते हैं, स्पेशली योर हस्बैंड?
बीच में तो जैसे स्टार्टिंग में मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही थी, तो वैसा नहीं, पर हस्बैंड ने हमेशा सपोर्ट किया है, मतलब स्टार्टिंग से ही। और अभी मैं तो हम दोनों प्लान कर रहे हैं कि इसे अच्छे से करेंगे, ये होम बेकरी बिजनेस, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में जॉब करना, अगर हम इसे भी अच्छे से सेटल करेंगे और तो ये भी हमारा, मतलब इसमें भी हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, फैमिली क्योंकि बिजनेस कर सकते हैं इसमें, फैमिली बिजनेस कर सकते हैं। एक जॉब में आप एक टाइम पीरियड तक ही कर सकते हैं, लेकिन कर बिजनेस सकते में आप क्या है, मतलब आगे बहुत टाइम तक कर सकते हैं, लिमिट exactly. और कोई लिमिट ही नहीं है, राइट? ही मतलब नहीं आप है मैम। और इतना यहाँ अपना पर खुद का और मैम इंटेलिजेंस सब में यूज करके आप कहाँ तक, कहाँ पे लेके जा सकते हो इस होम बेकरी को. और मैम सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर ना जॉब गिवर, मतलब जॉब देने वाले हो सकते हैं। अगर आपका अच्छा हाँ, चला, वेरी मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें अच्छे लेवल में चला, तो आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अभी तक तो सोचते थे कि कब जॉब लगेगी क्या, लेकिन अब लगता है कि नहीं, हाँ मतलब कुछ अलग करना है जॉब। अगर हम किसी और को जॉब दे रहे हैं अपने थ्रू, तो मतलब वो अलग ही बात है मैम। अलग ही बात है, राइट? सच अ ब्यूटीफुल माइंडसेट शिफ्ट यू हैव हैड पूजा. और थैंक यू, आपने वो शेयर भी किया कि अब तक आप जॉब के बारे में सोच रहे थे, अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं दूसरों को जॉब कैसे दे सकती हूँ, राइट? इट इज सच अ ब्यूटीफुल माइंडसेट शिफ्ट दैट यू हैव शेयर्ड विद अस. सो पूजा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गोल्डन नगेट्स थ्रू योर स्टोरी. इट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग. काफ़ी ज़्यादा गूजबम्स आ रहे हैं अभी यहाँ पे, राइट? क्योंकि काफ़ी टाइम हमने बात भी किया है, बट ये जो सारी चीज़ें जुड़ी रहती है ना आपके बेकिंग बिजनेस से रिलेटेड, ये भी जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. गाइज, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हो, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को लाइक करिए और ये मिनिमम 5 लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ये एक्चुअली में आज के आज ही सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सही में कुछ करना है. पूजा ने एक्शन लिया और उनके रिजल्ट्स भी अभी दिख रहे हैं यहाँ पे, और आप देख रहे हो कि उनका फैमिली भी कैसे अलाइंड हो रहा है उनके विजन के प्रति. सो अगर आपको सेम लाइफ चाहिए, सो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग दैट स्टेप, टेकिंग दैट एक्शन इन योर बेकिंग जर्नी एज वेल. अगर आप पूजा के शहर से हो, तो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका सोशल मीडिया हैंडल का लिंक डाला है. तो आप डेफिनेटली उनको डीएम करिए, उनसे ऑर्डर करिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला, उनके केक्स, डेकोरेटेड केक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट रहता है. वो सच में अपनी जान डालती है केक में. और जो उनके कुकीज़ है, उन्होंने बोला 4 कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बेस्ट सेलर्स है, तो आप वो भी उनसे ऑर्डर कर सकते हैं. शी कीप्स पार्टिसिपेटिंग इन लॉट ऑफ बेक सेल्स, तो आप उनको जाके मिल भी सकते हो वहाँ पे. सो मेक श्योर कि आप डीएम करो, उनके पेज को लाइक करिए और स्टार्ट ऑर्डरिंग फ्रॉम हर. और अगर आप एक एस्पायरिंग बेकर हो या फिर आपको बेकिंग इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है. मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, बिकॉज पीपल इन आर कम्युनिटी आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड एवरी सिंगल डे. एंड द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पूजा ने अपनी लाइफ में लेके आया है बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, यू कैन एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो अगेन थैंक यू सो मच पूजा फॉर चूजिंग माई सुपर बेकर प्रोग्राम. थैंक यू सो मच कि आपने डायमंड में जाने का भी डिसीजन लिया, और सिर्फ डिसीजन नहीं लिया बल्कि आपने वो प्रोग्राम कंप्लीट भी कर लिया, और आपने हमें आपके रिजल्ट्स भी दिखाए. आई एम सुपर डुपर हैप्पी टू कॉल यू एज माई स्टूडेंट. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन. एनी लास्ट थॉट्स दैट यू वॉन्ट टू शेयर? थैंक यू सो मच मैम, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर मतलब मैं जो लाइफ में करना चाहती थी, कुछ मतलब मन दिमाग में था कि मैं कुछ ऐसा करूं माइंड में कि बिजनेस या कुछ, तो मतलब वो ये हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और मैं अब इसमें ही बहुत आगे बहुत कुछ करने वाली हूँ। मुझे मैंने अभी से ही प्लान किया है कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है। सुपर लवली. थैंक यू सो मच पूजा फॉर शेयरिंग दैट एंड फॉर इंस्पायरिंग नॉट जस्ट मी बट सो मेनी व्यूअर्स हु आर वॉचिंग दिस इंटरव्यू. थैंक यू थैंक सो मच. गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट. यू सो मच मैम।